अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिना अदरीस एंड आई एम वन ऑफ द एफएलसी स्टूडेंट्स हियर। आई हैव पास माय ओईटी रिसेंटली, नॉट एक्चुअली रिसेंटली, मुझे इसको पास किए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन बट आई हैव गेट अ जॉब नाउ, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई हैप्पीनेस, बट 1 साल पहले जैसा कि मैंने बताया कि आज 22 जुलाई है और आज ही के दिन मैंने एग्जाम दिया था ओईटी, तो वो मेरा क्लियर हुआ था। और मुझे ये बताने में बिल्कुल शाय फील नहीं हो रही कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं किया। आई क्लियर्ड माई ओईटी इन फोर्थ अटैम्प्ट। हाँ, हर अटैम्प्ट के बाद बंदा थोड़ा डिसहार्ट होता है और गिव अप कर देता है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मोर देन एंड सर शार्ली एंड फैकल्टी ऑफ द हॉल, फैकल्टी ऑफ द एफएलसी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर शार्ली कहते थे कि एक कोई बात नहीं, अगर एक में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मिजी एक बार और अटैम्प्ट सही। तो वो मेरे लिए वर्ड्स जो थे ना, वो बहुत अहमियत रखते थे और मैं उनको फॉलो करती थी कि कोई बात नहीं, जब आप एक बार उधर पहुंच जाएंगी ना और आपको एक बार जॉब मिल जाएगी तो आपको ये सब भूल जाएगा। और लिटरली अभी मैं वहाँ नहीं पहुंची और मुझे मेरे हाथ में अभी सिर्फ मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जैसे ही मुझे मिले ना, आप यकीन करें मेरे मुझे सब पिछली बातें भूल गई हैं। इस लिहाज से कि मुझे अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि मैं उसको कितना अच्छा फील कर रही हूँ और मेरी फैमिली के लिए वो कितना अच्छा ये है। वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली उधर सेट हो जाएगी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। आई एम मदर ऑफ 3 किड्स और मैंने अपने बच्चों के साथ किया है। और अब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कुछ ओईटी की कि मैंने किस तरह किया। मुझे आज इस सितंबर में मुझे 2 साल हो जाएंगे। सितंबर मैंने 2022 में मैंने एफएलसी को ज्वाइन किया था और पूरे उसके बाद से मैंने अटैम्प्ट स्टार्ट करना की स्टडी स्टार्ट की। और मेरी रूटीन होती थी कि मैं सुबह 5 o'clock उठती थी और उसके बाद फिर नमाज के बाद मैंने बच्चों का नाश्ता रेडी करना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, उनके लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स, हस्बैंड का नाश्ता, अपना नाश्ता, और फिर ड्यूटी के साथ ड्यूटी पे जाती थी। यानी कि मैंने ये जो ईटी किया, मैंने अपनी ड्यूटी के साथ किया, ड्यूटी से ऑफ करके नहीं किया। एग्जाम से पहले बस मैं 1 वीक की छुट्टी लेती थी, तो देन मुझे ड्यूटी के साथ ही मैं वहाँ पे जाती थी ड्यूटी पे। ड्यूटी से ऑफ 2 बजे होने के बाद फिर मैं डायरेक्ट इधर एफएलसी आती थी। और मैं ऐसे नहीं था कि ओबर क्रीम करवा के आती थी, ऐसा नहीं है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यानी कि लोकल आती थी, लोकल कन्वेंस पे, तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लगता था अपने हॉस्पिटल पॉइंट से एफएलसी पहुँचते हुए। तो उसके बाद यहाँ पे आके चाय पीना, रिलैक्स होना, और देन अपनी स्टडीज स्टार्ट करती थी यहाँ पे आके। तो बस पूरा 1 साल सितंबर अगेन, यानी कि जुलाई पे फिर मैंने अपना ओईटी क्लियर किया। तो आज भी 22 जुलाई है, इसको पूरा 1 साल हो गया। 1 साल के बाद मुझे जॉब मिल गई है। ये क्या बताने का मकसद ये है कि आप ओईटी और सीबीटी के बाद पैनिक नहीं होना, आपने रिलैक्स करना है, सब्र करना है, फिर सब्र का इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो जहाँ आप, लेकिन जब किस्मत में लिखा हो फिर आपको जॉब मिल ही जाती है इंशाल्लाह, और मिलती है। और अब इसके बारे में, हर मॉड्यूल्स में मुझे किस में प्रॉब्लम आती होती थी, इनिशियली मुझे लिसनिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो शायद मुझे लगता था शायद मेरे कान खराब हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मुझे समझ नहीं आती थी। फिर वही सर के, जैसा कि सर बताते हैं, जो जो टेक्निक्स होती हैं लिसनिंग की, अगेन एंड अगेन लिसन करें उसको, अगेन हर तरीके से लिसन करें, जहाँ जहाँ से आपको पॉइंट मिसिंग है आप उसको अगेन लिसन करके वहाँ पे राइट करें उसको। तो इसी टेक्निक से भी मैं इतनी परफेक्शन हो गई कि मैं लिसनिंग में बहुत अच्छी, मतलब स्किल्ड हो गई, और मुझे बहुत अच्छी मेरी लिसनिंग इम्प्रूव होती गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर मुझे रीडिंग में ड्रॉबैक्स आ गए मेरे, तो बस रीडिंग स्पेशली पार्ट ए जो मैंने किया था, वो जैसा सर ने जो टेक्निक बताई थी उसी के अकॉर्डिंगली करती थी। रीडिंग पार्ट ए मेरा शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर उसमें जैसे लिसनिंग पे मैंने फोकस किया तो मेरी रीडिंग ख़राब हो गई। तो फिर मैंने रीडिंग पे फोकस करना ऐसा शुरू किया कि मैं रीडिंग पार्ट ए में, मतलब कि मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं, लेकिन जब कंप्लीट करने के चक्कर में मेरा वो फिर मिस्टेक्स आते थे उसमें, मतलब कि करेक्शंस नहीं होती थी, कुछ आंसर्स रॉन्ग होते थे। मैंने कंप्लीट करना है, जब मैंने फोकस करना ना कि मैंने इसको कंप्लीट करना है, चाहे बीच में फिर रॉन्ग मिस्टेक्स आ जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सर ने कहा कि आपने जितना करना है आपने ये सोच के करना है कि आप जो कर रही हैं वो ठीक लिखा हो, चाहे आप 1 2 मिस भी कर दें, इनिशियली आपने ये टेक्निक रखें। फिर मैंने इस टेक्निक पर फोकस किया और मैं जो लिखती थी वो सोच समझ के लिखती थी कि मेरा जो आंसर लिखा गया है वो ठीक है, रॉन्ग नहीं हो एटलीस्ट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आती रही, मेरे 20-20 मार्क्स भी आते रहे रीडिंग पार्ट ए में। एंड देन रीडिंग पार्ट बी एंड सी, इसमें मोस्टली प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की।
वो सर ने कहा था आपने मतलब जितना करना है कोशिश करें, चाहे आपका बी पार्ट आपने एज जैसे कर लिया, लेकिन जो सी पार्ट वन है ना आप उसको इतना टाइम दें, इतना कर लें कि आपको लगे कि मैंने करेक्ट किया है। तो देन अगर आपका सी पार्ट टू में अगर आपके 3-4 MCQs रह भी जाते हैं तो डजेंट मैटर, लेकिन जो आपने किया हो वो ठीक किया हो। इसलिए बेहतर है कंसंट्रेट करके कर लें, चाहे सी एक पार्ट ठीक कर लें तो वो आपका अच्छा स्कोर मैटर हो जाता है उससे। और उसके बाद मैं राइटिंग की बात करती हूँ। राइटिंग में ट्रस्ट मी फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके फोर्थ अटेम्प्ट तक मेरे उसमें अच्छे स्कोर आते रहे, 350 चारों रिजल्ट्स आप मतलब चेक कर सकते हैं मेरे, क्योंकि मैंने उसमें एस बॉल बहुत अच्छे से फॉलो किया। और वो उसको फॉलो करने वो इतना परफेक्ट फॉर्मूला है ना एस बार, कि आप अगर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लेटर लिख रहे हैं ना तो यकीन करें आपकी कोई कटिंग मार्क्स नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट 350 मार्क्स उसमें ईजिली ले सकते हैं। उसमें मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एस बार बहुत पक्का फॉर्मूला है, आप उसको जरूर ट्राई करें। नाउ आई डिस्कस अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग में आप शायद फील करते हैं इसमें, ये नेचुरल है, शायद मेरे साथ ऐसा है, जैसे कि मेरी बेसिक्स जो है मैं कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हुई थी, मैं उर्दू मीडियम में स्कूल में थी और देन नर्सिंग ज्वाइन की आफ्टर मैट्रिक, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फेज था। और तो मैं फील कर बहुत ज़्यादा पॉजेज आते थे मेरी स्पीकिंग में सर कैस के साथ, मैम अरूज के साथ करते हुए, तो उन्होंने यही हमें हमेशा यही फील करवाया कि आप रिलैक्स फील करें। और वो एक बार सर शार्ली के साथ लोग बहुत फील करते हैं शायद, लेकिन मैं तो बैठ गई थी ऐसी नेचुरली सर के साथ, तो सर और सर ने मेरी मतलब कि स्पीकिंग रिकॉर्ड करके मुझे दी कि अब आप इसको सुने और तो देन आप यू विल क्लियर कि आप में क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो ये टेक्निक बहुत मेरे लिए बेस्ट थी। मैं घर में भी जाकर ऐसी प्रैक्टिस ही स्पीकिंग की करती थी, कभी मिरर के सामने, कभी अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड करके मैं उसको सुनती थी अगेन एंड अगेन। तो एग्जामिनेशन फाइनल एग्जाम में भी ऐसा कुछ कोई नहीं होता, वहाँ पे आपको एक बंद कमरा होता है, वहाँ पे टेबल चेयर पे एक सामने आपके एग्जामिनर है और सामने उसके आप उसको नहीं भी देखेंगे ना, अपने फोकस करके अपने पेपर पे करते रहेंगे तो वो आपका स्पीकिंग मैटर करती है, क्योंकि उनको बस आपका वॉल्यूम चाहिए और कुछ ही नहीं चाहिए, और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है कि बस उसको, और दोबारा आपने उस एग्जामिनर की शक्ल तक नहीं देखनी होती, बस ने पेपर दिया सुनाई स्पीकिंग की और बाहर निकल गए, जस्ट इतना सा काम होता है। इसलिए इसके बारे में इतना मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बी रिलैक्स। सो ये मेरी जर्नी थी OET की, हर मॉड्यूल के हवा से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और मैंने कैसे इनको सॉल्व आउट किया। तो ये मुश्किल तो है, मैं ये नहीं कहती कि OET आसान है और तो हो जाता है, नहीं ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये मुमकिन है बहुत। हाँ इसमें एफर्ट्स हैं, कुछ मुश्किल हैं, हर्डल्स हैं, वो आपने क्रॉस करने पड़ते हैं। फैमिली के साथ भी आप कर सकते हैं मैनेज, आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है ये मैटर करता है, और आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, जैसा कि आई एम मदर ऑफ 3 किड्स, सो आई मैनेज माई OET एंड क्लियर माई OET विद द फैमिली। सो इफ यू वॉन्ट योर ड्रीम्स कम ट्रू देन कम एंड ज्वाइन FLC एंड डू OET एंड गो टू देयर एंड टू कम्प्लीट योर ड्रीम्स। Thank you so much.